गुड मॉर्निंग क्लास 10, स्टडिंग सेकंड चैप्टर ऑफ योर केमिस्ट्री बुक एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। टुडेज टॉपिक इज पीएच स्केल। पीएच स्टैंड्स फॉर पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन। पोटेंस इज अ जर्मन वर्ड विच मीन्स पावर। सो पीएच स्टैंड्स फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ओके, नाउ पीएच स्केल वी यूज टू डिस्क्राइब वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और इज बेसिक और न्यूट्रल और इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड और अ वीक एसिड एंड एसेट्रा। ठीक है, दैट इज नोन एज पीएच स्केल। कैन से दैट पीएच इज अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन। दैट मीन्स आपको पता है कि हाइड्रोजन आयन से आपको पता चलता है कि वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक, है ना। सो जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होंगे उतना ही ज्यादा उतना ही वो पीएच स्केल पर वैल्यू प्रेजेंट करेगा। एंड इन दैट वे यू कैन डिफाइन दैट वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक। वेट इवा, सो पीएच इज अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। द नॉर्मल पीएच स्केल जो है दैट रेंजेस फ्रॉम 0 to 14 लाइक दिस। इट इज लाइक दिस, 0 वी स्टार्ट फ्रॉम हेयर एंड देन टुवर्ड्स राइट मूव टू टिल 14। एट 0 इट गिव्स यू बिटवीन 0 to 2 इट गिव्स यू ऑलमोस्ट रेड कलर एंड हायर द रेड कलर और द नंबर 0, 1, 2 गिव यू द स्ट्रॉन्ग एसिड। देन द कलर अ लिटिल कलर गेट्स लिटिल फेडेड, इट गिव्स यू अ लिटिल ऑफ पिंक ऑरेंजिश पिंक कलर। सो नंबर इज 3, 4, 5 दैट मीन्स अ वीक एसिड इज देयर। 6 इज अगेन गिव्स यू येलो कलर, इट्स ऑल्सो अ वीक बेस। 7 गिव्स यू ग्रीन कलर एंड इट रिप्रेजेंट्स न्यूट्रल सब्सटेंस। दैट मीन्स द सब्सटेंस विच गिव्स यू ग्रीन कलर ऑन पीएच पेपर या गिव्स यू 7 वैल्यू ऑन पीएच स्केल इज अ न्यूट्रल कंपाउंड। इट इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। देन फ्रॉम 8 to 14 एज यू इंक्रीज द बेसिसिटी ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजेस। दैट मीन्स एट 14 गिव्स यू हाईली बेसिक, एट 0 हाईली एसिडिक। ठीक है, यू कैन सी एसिडिटी डिक्रीजेस फ्रॉम 0 to 7 बट बेसिसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 7 to 14। ओके, ग्रीन और द 7 गिव्स यू अ न्यूट्रल सब्सटेंस। पीएच पेपर इज अ यूनिवर्सल इंडिकेटर। ओके, इट्स अ मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स डाइट दैट गिव अ स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स डिपेंडिंग ऑन हाउ एसिडिक और बेसिक अ सॉल्यूशन इज। नाउ आई विल आस्क यू व्हाट इज पीएच पेपर। तो पीएच पेपर बेसिकली इज अ यूनिवर्सल इंडिकेटर एंड इट इज अ मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर डाइट दैट गिव्स यू अ स्पेक्ट्रम ऑफ कलर। दिस इज अ स्पेक्ट्रम, रेड, ऑरेंज, पिंक, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, दिस इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ कलर, है ना। एंड दैट स्पेक्ट्रम ऑफ कलर defines or tells you whether the substance is acidic or basic. Okay, one more thing is there, the pH you can simply denote as negative of log at 10 base hydrogen ion. ठीक है, और यू कैन सिंपली कन्वर्ट इट, है ना, माइनस साइन रिमूव कर देंगे तो लॉग एट 10 बेस 1 अपॉन हाइड्रोजन आयन। कितने हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं किसी एक्वस सॉल्यूशन में उसका जो लॉगरिथम है दैट विल गिव यू द पीएच ऑफ दैट सब्सटेंस। एंड वी नो दैट व्हेन वी टेक द 10 फॉर एग्जांपल अ सॉल्यूशन, इफ अ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन आयन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 10 to the power -12 मोल्स पर लीटर। ठीक है, दैट मीन्स 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन प्रोड्यूसेस 10 to the power -12 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयन। 10 to the power -12 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयन, 1 मोल इज इक्वल टू, आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन प्रीवियस क्लास ना, इट्स एवोगैड्रो नंबर। सो द पीएच वैल्यू विल बी, पीएच इज इक्वल टू लॉग 10 बेस पर 1 अपॉन हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन सब्सटेंस इज 10 to the power -12 विल गिव यू 10 to the power 12। सो 12 आ जाएगा फ्रंट में, 12 लॉग 10 बेस पर 10 एट द वैल्यू ऑफ एनी लॉगरिथम एट द सेम बेस गिव्स यू 1। इफ लॉग ई बेस पर ई गिव्स यू 1, है ना, तो दिस विल बी 1, तो पीएच इज 12। सो इट्स सिंपल कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयन्स आर देयर दैट इन 10 की पावर, दैट विल गिव यू द पीएच वैल्यू ऑफ द
substance. Okay. Now, importance of pH in everyday life. Living organism जो है that can survive only in a narrow range of pH. For us, that means for human beings, our body works with in pH range 7 to 7.8. ठीक है. If the pH range is decreases, तो we feel acidity. Higher pH range are also not suitable to our body. Second is acid rain. Acid rain जो है, जो rain water है, if the pH value of that rain water decreases then 5.6, then the rain is called acidic and it has a very harmful effect on the plants and as well as mostly on the aquatic life. It has aquatic life. Unka jo survival hai, us par negative effect dalta hai. Kaun? Acid rain. And when the rain is called acid rain, when the substance, when the pH value of rain water is smaller, less than 5.6. ठीक है. प्लांट्स ऑल्सो रिक्वायर्ड पीएच रेंज फॉर अ हेल्दी ग्रोथ. पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. व्हेन आई एक्सप्लेन्ड अबाउट एंट एसिड तो आई टोल्ड यू कि जो हमारा स्टमक है दैट प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl. दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन आवर स्टमक हेल्प्स इन डाइजेशन, हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड. बट इफ the hydrochloric acid produced by stomach is too much, then it can cause pain and irritation, jisko hum bolte hain acidity. We are having acidity, hai na. So what is the prevention of this, for which we use antacids, which is magnesium hydroxide. Magnesium hydroxide is also called milk of magnesia. Theek hai, we use this for the acidity purpose because this is basic. So when you have it, तो दिस बेस विल न्यूट्रलाइज द एसिड इन योर स्टमक. टूथ डीके इज ऑल्सो ड्यू टू द एसिडिक नेचर बिकॉज टूथ का जो सब्सटेंस है दैट इज अनहार्मफुल बाय द वॉटर. ठीक है. बट टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन पीएच ऑफ द माउथ इज लेस देन 5.5. सो इफ योर माउथ पीएच इज मोर देन 5.5 तो यू विल नॉट have any tooth decay, but if it is lower than 5.5 you will have tooth decay. And how does it happen? Jitna jo bacteria present hota hai in your mouth that produces acid by the degradation of sugar and food. For example, you just had food, some of the food is there in your tooth. So what will happen? The bacteria inside your mouth will start degrading that sugar or food which is stick to your teeth, and then this bacteria will release the acid. ठीक है. And that acid if lower than the pH value of 5.5 will start decaying your tooth. So what is the prevention? Simply clean your mouth after eating food. ठीक है. Cleanliness is very important. Second is use of toothpaste which are basic in nature. Simply, so if the toothpaste will be basic, so it will neutralize the acidic effect of the bacteria. Simple. Next is bee sting. Bee sting I already told you ki bee sting produces acid. Bee sting, when bee stings you, so it leaves the acid in your body which causes pain and irritation. Theek hai. So if you want to solve it, if you want to, so you can use mild base, like you have baking soda at your house, at your home, so you can simply rub that baking soda over that bee sting, so you will feel relieved. Okay, so this is about today pH scale. Thank you.